एंड ये जो मिथ्स होते हैं ना कि अगर आप वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं तो फिर आपका जर्नी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना भारी नहीं है जैसे जैसे किसी ने आठ हफ्ते गुजारे हैं, ये सारे मिथ्स हैं। आई थिंक कि इट्स नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। जैसे रिश्ता जो होता है क्योंकि 10 साल का है उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साल के रिश्ते से। तो आई थिंक एल्विश ने ये प्रूव कर दिया है। एंड आई थिंक कि वो घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए थे। एंड आई थिंक कि इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ वन द शो। सो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ। मगर वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज़ अ जर्नी यू टेक इन टू योर ओन हार्ट। एंड आई थिंक मैं अपने खुद के दिल में गई, मैंने खुद की वीकनेसेस, खुद के स्ट्रेंथ को यहाँ से देखी। आठ हफ्ते का सफ़र उसमें आसान है नहीं, इट्स नॉट ईजी। फिज़िकली बहुत ही मुश्किल गेम है। हमारे लग्जरीज होते हैं, लोग होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, कम्फर्ट जोन आपको भूलना पड़ता है। मगर उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया। और आज जब भी मुझे वो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली, जब भी मेरे पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच। मगर जब भी बिग बॉस ने कहा कि हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, फॉर मी इट वॉज अ विन।